पुतिन के आदेश पर रूसी फौज में बड़ा हड़कंप है। मैदान छोड़ने वालों को गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन से मुकाबले के लिए तैयार नहीं है कई रूसी सैनिक, और ये आज की बात नहीं, बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि मोरल काफी डाउन नजर आ रहा है। बहुत बार ऐसी खबरें और फिर से ऐसी खबर है, और अब वार्न कर दिया पुतिन ने, कमजोर ट्रेनिंग की वजह से भी परेशानी आ रही है। तिवारी सर, चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले बिग वॉल का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पुतिन के फैसले की वजह से जिस तरीके से आलोचनाएं होती आई हैं, उसके बाद मोबिलाइजेशन एक ऐसा फैसला था जब रूस के भीतर ही इसको लेकर तमाम अलग अलग पक्ष सामने आते हुए पुतिन के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, और यही वजह है कि मोबिलाइजेशन में भी एक सेट ऑफ टारगेट रख दिया गया था कि सिर्फ इतने लोगों को लेकर ही फैसला होगा। इस बीच उनको किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, कितने वेतन दिया जाएगा, उसकी खबरें तो आ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ा ऑर्डर जो किस तरीके से पुतिन की दोबारा आलोचना के लिए लोगों को मौका मिल चुका है, उसके तहत जान लीजिए कि पुतिन का अपने ही सैनिकों के खिलाफ कितना सख्त ये प्लान सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आपके सामने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पीछे हटने वाले अपने सैनिकों को छोड़ने के लिए पुतिन तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, पुतिन ने रूसी सेना के ऐसे जवानों को सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। तीसरी बड़ी बात, जो सैनिक यूक्रेन के युद्ध से भागना चाहते हैं उनकी मौत का ये फाइनल ऑर्डर है। इस बीच भगोड़े सैनिकों पर नजर रखने के लिए पुतिन ने बकायदा यूनिट्स की तैनाती भी कर दी है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि आधी अधूरी ट्रेनिंग और सुविधाओं की कमी से ही यहां पर ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं रूसी सैनिक, और ये एक सबसे बड़ी वजह रही है जिसकी बिना पर यूक्रेन की तरफ से बार बार तिवारी सर ये दावा किया जा चुका है कि हम रिकैप्चर करने में कामयाब रहे। लेकिन अब तिवारी सर, जितना यूक्रेन का इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो बकायदा ऐसे वीडियोज जारी करके हर बार रशिया को बैकफुट पर तो जरूर दिखाता है, लेकिन हकीकत यही है कि रशिया ने भी वॉर ऑफ सर्वाइवल बना दिया है ये यूक्रेन के लिए, और अब जो आम जनता सफर कर रही है उसके तहत ज़ेलेंस्की के फैसलों की आलोचना हो रही है कि ये ज़ेलेंस्की की जिद का नतीजा है कि अब आम जनता भुगत रही है। जी बिल्कुल सही है। दो चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आपने अभी कहा ये वॉर फटीग आ चुकी है अभी जो इनके सैनिक हैं रूस के उनके ऊपर भी, क्योंकि ये 9 महीने होने वाले हैं, अभी 9 महीने में जा रहे हैं, और जो बाकी इवन बाकी देश हैं उनके भी यही हाल हैं। लेकिन जो मोबिलाइजेशन इन्होंने किया था पुतिन ने, मैंने पिछली बार भी जब मैं उस समय बात हुई थी मैंने कहा था इसको वहाँ पर मोगलाइजेशन बोला जा रहा था, क्योंकि मोगल का मतलब होता है रशियन में डेथ, ए ग्रेव, कि हम ग्रेव में जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो न्यूज़ आई थी कि अफगान के जो जो स्पेशल फोर्सेस थे जो बाहर कैदियों को भी भेजा, बिल्कुल कैदियों को उन्होंने भेजा, अफगान के स्पेशल फोर्सेस को उन्होंने लिया, वैगनर ग्रुप को उन्होंने और आगे बढ़ाया कि सीरिया से भी और अफगान से भी रिक्रूट करो, उनको लेकर के आते थे। सर, अपनी फोर्स को स्टैंड बाय करके सेव कर रखा है कि जब वक्त आएगा तो सीधा जवाब एक दिन में दे दिया जाए। और एक चीज और ऐड करूं, इन्होंने ये बोला परसों की जो न्यूज थी पुतिन की कि 3 लाख की जगह हमने 3,18,000 मोबिलाइजेशन कर ली है, तो ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।